नमस्कार, मैं शिवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 15 दिसंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इंडियन ऑयल ने 1744 रिक्तियों के लिए जारी किया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। निर्वाचन आयोग के कार्यालय में बना कंट्रोल रूम। ग्रेजुएशन में अब इंटर्नशिप होगा अनिवार्य। हर महीने की 14 तारीख को लगेगा स्वास्थ्य मेला। वनडे रैंकिंग में ईशान किशन ने लगाई लंबी छलांग। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडियन ऑयल ने 1744 रिक्तियों के लिए जारी किया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने विभिन्न ट्रेड और डिसिप्लिन में ट्रेड अप्रेंटिस, टेक्नीशियन अप्रेंटिस और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 1744 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो अलग अलग पद के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन निर्धारित है, जिसमें पदों के अनुसार संबंधित ट्रेड या डिसिप्लिन में 10th या 10+2 विद ITI या डिप्लोमा या बैचलर डिग्री पास होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 3 जनवरी 2023 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट IOCL.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन इन मुद्दों पर हुई बहस। शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन और भी हंगामा भरा रहा। सदन में मंगलवार को कैंडिडेट्स पर किए गए लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी ने नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा। सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया कि जहरीले शराब से हो रही मौत के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि हम शराबबंदी के पक्ष में हैं, लेकिन जहरीले शराब से हुई मौत को लेकर सदन में बहस चाहते हैं। सीएम ने हमें उत्तेजित किया। शराबबंदी पर सवाल उठाने वाले नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का माइक बंद करवा दिया गया। विजय सिन्हा के विरोध करने पर विधानसभा अध्यक्ष बोले कि अब जो बोलेगा उसी का माइक ऑन रहेगा। भाकपा माले के विधायकों ने विधानसभा के बाहर जमकर हंगामा प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि धान खरीद की तिथि 31 मार्च तक बढ़ाई जाए, इसके साथ साथ शिक्षक नियोजन को लेकर भी लोगों ने सरकार से मांग की है। वीरायतन इस वजह से है बेहद खास। वीरायतन दो शब्दों से व्युत्पन्न, वीर जो भगवान महावीर के लिए खड़ा है और आयतन जो एक पवित्र स्थान के लिए खड़ा है। भारत में जैन धर्म के सिद्धांतों पर आधारित एक धार्मिक संगठन है। संगठन की स्थापना आचार्य श्री चंदन जी ने 1973 में भगवान महावीर के 2500वें निर्वाण महोत्सव के अवसर पर की थी। संगठन के 3 मुख्य बिंदु क्षेत्र हैं सेवा, मानवता की सेवा, शिक्षा यानी शिक्षा और साधना आत्मविकास। वीरायतन सेवा मानवता की सेवा की अवधारणा जो बढ़ावा देने वाला एकमात्र जैन संगठन है। इसकी आर्ट गैलरी श्री ब्राह्मी कला मंदिर जैन धर्म के 24 तीर्थकरों के जीवन को प्रदर्शित करते हुए उनके अहिंसा दर्शन को दर्शाने वाले बेहतरीन पर्यटक आकर्षण है। यहाँ के विशाल उद्यान क्षेत्र में विभिन्न तरह के फलों एवं फूलों के पेड़ और आसपास के पहाड़ी क्षेत्र यहाँ आने वाले पर्यटकों को ताजगी से भरपूर वातावरण का अनुभव कराते हैं। निर्वाचन आयोग के कार्यालय में बना कंट्रोल रूम। दो चरणों में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। मालूम हो कि निकाय चुनाव में पहले चरण का मतदान 18 दिसंबर को होना है, जिसके लिए 16 दिसंबर को चुनावी प्रचार का शोर थम जाएगा। पहले चरण के लिए कुल 41,790 मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 18 दिसंबर के मतदान के बाद 20 दिसंबर को मतों की गणना होगी। मतदान के लिए पहले चरण में 6,995 बूथ बनाए गए हैं। सभी बूथों पर 3-3 EVM मशीन के माध्यम से मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद का चुनाव करवाया जाएगा। जहरीली शराब पीने से किसी की गई जान तो किसी ने गवाई अपनी आंख। बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब पीने से लोगों की जान जा रही है। बिहार के सारण जिले में बीते दिन घंटे दर घंटे जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़ती गई। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार खबर लिखे जाने तक जहरीली शराब पीकर जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गई थी। घटना के बाद बुधवार की सुबह से ही सदर अस्पताल में बीमार लोगों का तांता लगा रहा। वहीं कई लोगों ने अपनी आंख की रोशनी भी गंवा दी। घटना को गंभीरता से लेते हुए इलाके की छापेमारी शुरू कर दी थी। वहीं जहरीली शराब को लेकर हुई मौत पर बिहार की सियासत भी गर्म है। वहीं मद्य निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने शराब बेचने के मामले में संलिप्त 3 अपराधियों को गिरफ्तार करने की पुष्टि भी की है। अवकाश लेना सरकारी शिक्षकों को अब पड़ेगा महंगा, छुट्टी भी हो सकती है रद्द। सरकारी शिक्षकों को अब अवकाश लेना महंगा पड़ेगा। वे अब केवल किसी दुर्घटना, परिजनों की मृत्यु और गंभीर बीमारी जैसी गंभीर परिस्थितियों में ही उन्हें आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा। यदि किसी शिक्षक को सामान्य अवकाश चाहिए जैसे विवाह या अन्य किसी प्रयोजनों के लिए, तो वैसे अवकाश के लिए आवेदन
3 दिन पहले ही जमा करवाना होगा। यदि दिए गए आवेदन की स्वीकृति मिलती है तभी आपको छुट्टी भी मिल सकेगी। वहीं बिहार सेवा संहिता के नियम 152 के तहत छुट्टी देने वाले प्राधिकारी अपने विवेक से छुट्टी की स्वीकृति और अस्वीकृति कर सकते हैं। इस मामले से संबंधित जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने दी है। पटना जंक्शन पर शुरू हुई नई सुविधा, यात्रियों को अनारक्षित टिकट कटाने के लिए पटना जंक्शन समेत पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत किसी भी स्टेशनों के काउंटर से लंबे कतारों में खड़े होने से अब मुक्ति मिलेगी, क्योंकि दानापुर मंडल ने रेलवे मंत्रालय के निर्देश पर यूटीएस ऐप से अनारक्षित टिकटों की बुकिंग के लिए तय की गई 5 किलोमीटर की दूरी को बढ़ाकर 20 किलोमीटर कर दी है। इस बात की सूचना पुणे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने दी है। आगे आपको टिकट कराने की विधि बताते चले तो सबसे पहले आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में यूटीएस ऐप को डाउनलोड कर लॉगिन करें। टिकट के प्रकार, यात्री की संख्या या प्लेटफॉर्म टिकट आदि अपने चीजों का चयन अपने जरूरत के हिसाब से करें। टिकट की राशि का भुगतान के लिए आर वॉलेट का उपयोग करें। आर वॉलेट के अलावा नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और यूपीआई आदि का प्रयोग कर सकते हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे आरसी प्रसाद सिंह की। बिहार को अपने जिन साहित्यिक विभूतियों पर गर्व है उनमें एक नाम बड़े ही श्रद्धा के साथ लिया जाता है, वह है प्रकृति, जोश और राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से लैस प्रखर कवि आरसी प्रसाद सिंह। उनका जन्म समस्तीपुर जिले के रोसरा प्रखंड में 1911 ईस्वी में हुआ था। उनका पूरा नाम रामचंद्र प्रसाद सिंह था, जो बाद में छोटा होकर आरसी प्रसाद सिंह हो गया। भारत के प्रसिद्ध कवि, कथाकार और एकांकीकार थे। छायावाद के तृतीय उत्थान के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित आरसी प्रसाद सिंह को जीवन और यौवन का कवि कहा जाता है। आरसी प्रसाद सिंह हिंदी और मैथिली भाषा के ऐसे प्रमुख हस्ताक्षर थे जिनकी रचनाओं को पढ़ना हमेशा ही दिलचस्प रहा है। ग्रेजुएशन में अब इंटर्नशिप होगा अनिवार्य। नए साल में अब किताबी ज्ञान के साथ साथ उस विषय में काम के अनुभव को प्राप्त करने का भी मौका मिलेगा। इसके लिए विद्यार्थियों को 4 साल के ग्रेजुएशन में इंटर्नशिप अनिवार्य कर दिया गया है। अब नए शैक्षणिक सत्र में बच्चे 3 की जगह 4 साल का ग्रेजुएशन करेंगे, साथ ही इंटर्नशिप भी करेंगे। यूजीसी ने 4-ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का नया ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, इसे लागू कर दिया गया है। सभी यूनिवर्सिटी और राज्य सरकार को इसे भेज दिया गया है। नए नियमों के ड्राफ्ट के अनुसार ग्रेजुएट कोर्स में अब इंटर्नशिप भी जरूरी। सारण के विवेक ने हासिल की ये बड़ी उपलब्धि। बिहार में स्थित सारण जिले के विवेक ने L-39 अल्बा ट्रॉस लड़ाकू विमान को उड़ाते हुए 1.5 मीटर की रिकॉर्ड कम ऊंचाई पर हाई स्पीड लो पास का प्रदर्शन कर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। विवेक विदेशी भूमि पर लड़ाकू विमान उड़ाने वाले और ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले पहले सिविल भारतीय एवं शास्त्र प्रशिक्षक बन चुके हैं। ऐसा रिकॉर्ड बनाने का उनका यह सफर टैक्टिकल और डिफेंसिव शूटिंग में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सबसे कम उम्र के भारतीय शस्त्र प्रशिक्षक बनने के साथ ही शुरू हो गई है। फिर विवेक ने मिलिट्री ग्रेड वेपन में फास्टेस्ट शूटर का रिकॉर्ड बनाने के साथ साथ इन्होंने मैराथन ग्रुप इवेंट में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवा लिया है। तेज रफ्तार से जा रहे इंटरसिटी एक्सप्रेस अचानक 2 भागों में बटी। बिहार के भागलपुर जिले में बड़ा रेलवे हादसा होने से बच गया। दरअसल बात सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन की है। रेलवे स्टेशन से इंटरसिटी एक्सप्रेस के खुलने के बाद ट्रेन ने कुछ दूरी ही तय की थी कि ट्रेन 2 भागों में बट गई। ट्रेन के पिछले हिस्से की 4 बोगियां बाकी बोगियों से खुलकर अलग हो गई और इंजन बाकी बोगियों को लेकर आगे बढ़ गई। इंजन से अलग होते ही अलग हुए ट्रेन के बाकी डिब्बे भी तेज रफ्तार से कुछ दूर दौड़ने के बाद धीमी हो गई। ड्राइवर को इस बात की सूचना मिलते ही उसने कंट्रोलर को खबर दी। फिर ट्रेन के कपलिंग की कवायद शुरू हुई। यात्रियों के बीच हड़कंप का माहौल था, लेकिन इस हादसे में सबसे अच्छी बात यह रही कि सभी यात्री सुरक्षित थे। दूसरे दिन के खेल खत्म होने तक बिहार ने ली 155 रन की लीड। पटना के ऊर्जा स्टेडियम में बिहार और अरुणाचल प्रदेश के बीच में खेले जा रहे रणजी मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 212 रन बनाया तो वहीं जवाब में पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी बिहार की टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 367 रन बनाया है। इधर बिहार की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए अधिराज जोहरी ने 200 गेंदों में 118 रन की शानदार पारी खेली तो वहीं ऋषभ राज ने 110 गेंद में 65 रन की पारी खेली। वहीं शकीबुल गनी 66 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए हैं। सचिन कुमार भी 51 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए हैं। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक बिहार की टीम 155 रन की लीड ले चुकी है।
हर महीने के 14 तारीख को लगेगा स्वास्थ्य मेला। राज्य के सभी जिलों में 14 तारीख को स्वास्थ्य मेला लगाया जाएगा। इस मेले का आयोजन जिले में अवस्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर किया जाएगा। स्वास्थ्य मेले में अगले 2 माह तक हाइपरटेंशन, डायबिटीज स्क्रीनिंग, आभा आईडी बनाना और टेली कम्युनिकेशन पर जोर दिया जाएगा। साथ ही किशोर एवं युवा से संबंधित स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी सेवाओं तथा कुष्ठ उन्मूलन गतिविधि के संचालन हेतु लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह की ओर से पत्र जारी किया गया है, जिसमें महीने की 14 तारीख को लगने वाले स्वास्थ्य मेले की रिपोर्ट भी ली जाएगी। प्रदेश के तापमान में उतार चढ़ाव जारी। बिहार के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। 3 दिन पहले तक सुबह का सबसे ठंडा शहर गया रहा। मौसम में उतार चढ़ाव की वजह से मौसमी बीमारी का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के कई इलाकों में वैसी ठंड नहीं पड़ रही है। विभाग का मानना है कि दिसंबर के तीसरे सप्ताह में ठंड ज्यादा होगी। पछुआ हवा के प्रभाव से पिछले दिनों लगातार तापमान गिरने लगा है, लेकिन अब बंगाल की खाड़ी में चक्रवात की स्थिति बन रही है, जिससे आसमान में बादल है और न्यूनतम तापमान बढ़ गया है। राजधानी पटना का तापमान जहां गिरकर 8 डिग्री सेल्सियस के करीब आ गया था, वो अब 13 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बहुत जल्द न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की जाएगी। मानसून के देर से लौटने का असर ठंड वाले मौसम पर पड़ रहा है। शिक्षक अभ्यर्थी को शिक्षा मंत्री की सलाह। राजधानी में सीटेट और बीटेट के छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में शिक्षा मंत्री डॉ. चंद्रशेखर ने कहा कि 8 साल का इंतजार करने के बाद भी उन्हें बीजेपी की केंद्र सरकार से कुछ नहीं मिला है, लेकिन यहां वैसी बात नहीं होगी, आंदोलन उसके लिए भी करें। दरअसल बीते मंगलवार को सीटेट बीटेट छात्रों द्वारा राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे पर 7वें चरण के शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में हो रही लेट लतीफी पर प्रदर्शन किया गया, जहां एक बार फिर से पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया। इसी पर शिक्षा मंत्री ने छात्रों को सलाह देते हुए कहा कि शिक्षक अभ्यर्थियों को चंद दिन और इंतजार करना चाहिए। सभी संगठनों से मेरी बातचीत हो गई है, नियोजन नीति में जो खामियां है उसे दूर की गई है और नई नीति बनकर तैयार है, इसलिए शिक्षक अभ्यर्थी चिंता ना करें। सूखाग्रसित परिवारों को विशेष सहायता मिला या नहीं, इसकी होगी जांच। बिहार में इस साल मानसून के महीने में बारिश ने किसानों के साथ खूब आंख मिचौली खेली है। कई जिले सूखा की चपेट में आ गए, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। इस बीच बिहार सरकार ने सूखा से प्रभावित हुए किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा देने का ऐलान किया था, लेकिन अभी भी कई किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। वहीं अब इसकी जांच सरकार के द्वारा की जाएगी। दरअसल कम बारिश की वजह से सूखाग्रस्त पंचायत के अधीन गांव के लोगों को विशेष सहायता मिला या नहीं, इसकी जांच आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा की जाएगी। बीते दिन जदयू के ललित नारायण मंडल और ध्यानाकर्षण के जवाब में आपदा प्रबंधन मंत्री शाहनवाज ने विधानसभा में यह बात कही है। सारण शराब कांड पर तेजस्वी का बीजेपी पर पलटवार। सारण शराब कांड में दहाई की संख्या में लोगों के मौत की खबर आई है। बीते दिन इस मामले पर तेजस्वी यादव का एक बयान सामने आया है। इस बयान में वे ये कहते नजर आ रहे थे कि शराबबंदी नहीं थी, तब भी लोगों की मौत जहरीली शराब से होती थी। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के 10 से 15 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी उन्होंने शराब के मामले को लेकर कुछ नहीं किया और उन्हें आज शराबबंदी की विफलता नजर आ रही है। आगे उन्होंने बीजेपी से भी जवाब मांगा है कि जब बीजेपी सत्ता में थी तब कितने लोगों की मौत जहरीली शराब से हुई थी। जहरीली शराब को लेकर नीतीश कुमार पर हमलावर हुआ विपक्ष। बिहार में हुई जहरीली शराब से मौत को लेकर विपक्षी दल भी बीते दिन सरकार पर हमलावर रही। इस बीच विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि मेरा सीधा आरोप है कि प्रभावित परिवार के लोग अब FIR दर्ज कराएं कि जहरीली शराब कहां से आई। जहरीली शराब में जो लोग भी दोषी हों, वो चाहे CM, गृहमंत्री और SP हो, उन पर कार्रवाई की जाए। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जहरीली शराब से हर दिन मौत हो रही है और अपराध बढ़ रहे हैं। बिहार में हर जगह शराब मिल रही है। वहीं सदन में नीतीश कुमार के तू तड़क वाले व्यवहार पर गिरिराज सिंह ने कहा कि गिरती हुई साख ही या उम्र का तकाज है। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह की मंडी व्यवस्था पर पहली जीत। मंडी व्यवस्था के मामले को पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह लगातार उठाते रहे हैं। सुधाकर सिंह ने शीतकालीन सत्र में इस मामले को एक प्राइवेट मेंबर के तहत लाया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सुधाकर सिंह के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है, जिससे इन्हें एक बड़ी जीत मिली है। इस प्रस्ताव पर समय के अभाव में सदन में बहस नहीं हो सकी, लेकिन उम्मीद है कि अगले सत्र की बैठक में मंडी व्यवस्था के प्रस्ताव पर बहस और वोटिंग हो। आपको बता दें कि सुधाकर सिंह हरियाणा और पंजाब के तर्क पर मंडी व्यवस्था लागू करने की बात कर रहे थे, लेकिन इसी बीच उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। दरअसल बिहार की लगभग 75% आबादी कृषि पर ही निर्भर है। आबादी का एक बड़ा हिस्सा खेती के काम में लगा है, बावजूद इसके किसानों की आय में वृद्धि नहीं हो रही है। सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन उन्हें अपने उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पा रहा।
वनडे रैंकिंग में ईशान किशन ने लगाई लंबी छलांग। भारत के विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली आईसीसी रैंकिंग में दो पायदान के फायदे के साथ आठवें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि युवा सलामी बल्लेबाज ईशान किशन ने 117 पायदान की लंबी छलांग लगाकर 37वां स्थान हासिल कर लिया है। जी हां, बता दें कि बीते दिन बुधवार को आईसीसी ने ताजा वनडे रैंकिंग जारी किया, जिसमें कोहली को करीब 3 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच में शतक लगाने का फायदा हुआ है, जो उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अंतिम वनडे मैच में लगाया है। वहीं गेंदबाजों में मोहम्मद सिराज को 4 पायदान का फायदा हुआ है और इसी के साथ वो 22वें स्थान पर पहुंच गया है। कुंडी से नवनिर्वाचित विधायक ने ली शपथ। कुंडी से चुने गए नवनिर्वाचित विधायक केदार प्रसाद गुप्ता ने बीते बुधवार को विधानसभा सत्र के दौरान शपथ ली। सभा की कार्यवाही शुरू होते ही विस अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने केदार प्रसाद गुप्ता का नाम पुकारा। सभा सचिव ने राज्यपाल फागू चौहान की ओर से अध्यक्ष को अधिकृत किए जाने का पत्र पढ़ा। इसके बाद नवनिर्वाचित विधायक ने शपथ लिया और सदन के सदस्यों का अभिवादन किया। इस बीच भाजपा के सदस्य कुंडी तो झांकी है और पूरा बिहार बाकी है, जय श्री राम के नारे लगाते रहे। महंगाई से जूझ रही जनता को वित्त मंत्री का भरोसा। महंगाई की मार झेल रहे देश को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भरोसा दिलाया है कि महंगाई कम होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि महंगाई से जूझती जनता को जल्द ही राहत मिल जाएगी। सरकार अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रही है और जल्द ही महंगाई पर काबू पा लिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों के चलते खुदरा महंगाई दर नवम्बर महीने में घटकर 5.88% हो गई है। खाद्य ईंधन और विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों में नरमी के कारण नवंबर में थोक मूल्य आधारित मुद्रा अस्फीति 21 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन का जन्म 1932 में हुआ। भारतीय प्रसिद्ध हास्य कलाकार एवं निर्देशक बापू का जन्म 1933 में हुआ था। देश के महान फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया का जन्म 1976 में हुआ था। भारतीय महिला पहलवान गीता फोगाट का जन्म 1988 में हुआ था। भारतीय कंप्यूटर इंजीनियर पीयूष कमल का जन्म 1992 में हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते शाहू महाराज का 749 में निधन हुआ। भारत के स्वतंत्र संग्राम सेनानी एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन 1950 में हुआ। गांधी जी के अनुयायी स्वतंत्र सेनानी पुट्टी श्रीराम मुलू का निधन 1952 में हुआ। भारत की एस विजयलक्ष्मी पंडित 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सत्र की प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई। व्हाट्सएप पर अब ग्रुप्स खोजने में नहीं होगी दिक्कत। मेटा का मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप आए दिन नए फीचर्स और अपडेट्स लाता रहता है। कंपनी का लक्ष्य है कि वह अपने यूजर्स के बेहतरीन एक्सपीरियंस दे सके। इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए व्हाट्सएप ने अपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन के यूजर्स के लिए एक नया फीचर शुरू किया है, जो उन्हें कॉन्टैक्ट का नाम दर्ज करके रिसेंट ग्रुप्स को खोजने देगा, जो कि उस ग्रुप का भी हिस्सा है। इस फीचर को लेटेस्ट स्टेबल व्हाट्सएप डेस्कटॉप वर्जन में रोल आउट किया जा रहा है। ये फीचर्स उन लोगों के लिए बहुत मददगार होगा जो सैकड़ों ग्रुप्स का हिस्सा है, क्योंकि जब हम बहुत से ग्रुप्स का हिस्सा होते हैं तो हम कभी कभी हमें कुछ ग्रुप्स के नाम भूल जाते हैं। ऐसे में इन ग्रुप्स को खोजना मुश्किल हो जाता है। इस नए फीचर से अब इन ग्रुप्स को खोजना आसान हो गया है। वायरल खबर में आज बात होगी पंजीकरण शुल्क वसूली के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे छात्रों से पंजीकरण शुल्क वसूली के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि फर्जी वेबसाइट पर छात्रों से पंजीकरण शुल्क मांगा जा रहा है। सीबीएसई इंडिया 29 या वेबसाइट किसकी के साथ संबंध नहीं रखता है। सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है पवन कुमार, नूनू कुमार गोलू, सोनू कुमार, रविंद्र कुमार, बसंत सिंह यादव, राजीव कुमार, साधुल्लाह पलवी, रवि मोहन वर्मा, अखिलेश कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार को किन किन विषयों पर ध्यान देना चाहिए। अपना जवाब है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।